तो बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से जोरदार तरीके से मेरे जितने भी देश के डिफेंस एस्पेंट हैं इस बेहद ही खास वीडियो में डिफेंस नॉलेज की पिछली वीडियो में हमने इंडियन नेवी के ऑफिसर्स को मिलने वाली बहुत सारी फैसिलिटीज़ के विषय में बात किया और उनको शेयर किया आपके साथ आपने उसमें बहुत सारे कमेंट किए बहुत सारा प्यार दिया बट इस दौरान आप लगातार मुझसे पूछते रहे कि सर एनडीए के जो कैरेट्स हैं क्योंकि मैं जानता हूं नेशनल डिफेंस एकेडमी का एक अलग ही पैसन है देश के अंदर अगर मैं स्ट्राइक सर्विसेज एंट्री की बात करता हूं तो देश के अंदर एक अलग तरह की आग है टेन प्लस टू लेवल पे नेशनल डिफेंस एकेडमी को लेकर के तो आपका बड़ा प्रश्न यही था सर कि नेशनल डिफेंस अकेडमी का जब हम हिस्सा बनते हैं तो सर एज ए जनरल मैन कैडेट तो आखिर क्या क्या ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो हमें दी जाती हैं हमारी एकेडमी की ट्रेनिंग के दौरान तो आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और वीडियो अंत तक देखिएगा अगर वीडियो अच्छी लगे तो बिल्कुल लाइक और शेयर जरूर करिएगा और अब तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए क्योंकि सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आईकॉन भी दबाना ना भूजे क्योंकि ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग अपडेटेड और इनफॉर्मेशनल वीडियो मैं आपके लिए लाता हूँ जो आपके अंदर एक जागरूकता लाती है और डिफेंस के प्रति आपके प्यार को और बढ़ा देती है जज्बात और जुनून को और जगह देती है तो चलिए आज बेसिकली बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है तो आज बेसिकली हम यही जानने वाले हैं कि एंडिया के अंदर हमारे जितने भी जनरलमेन कैडेट्स हैं आखिर उनको ड्यूरिंग ट्रेनिंग क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं तो सबसे पहले आपको बता दूं कि नेशनल डिफेंस एकेडमी बच्चा एक ट्राई सर्विसेज एकेडमी है जहां आर्मी नेवी एयरफोर्स को एक साथ ट्रेन किया जाता है इंडिया में तीन साल की ट्रेनिंग के दौरान ढाई साल तक सभी आर्मी नेवी एयरफोर्स के जितने भी कैरेट्स होते हैं इनको एक साथ ट्रेन किया जाता है लेकिन जो आखिरी सेमेस्टर होता है दैट मीन जो हमारा लास्ट सेमेस्टर होता है उसमें उनके ट्रेड्स के अनुसार उनको अलग अलग ट्रेनिंग सेक्शन में डिवाइड कर दिया जाता है अब आती है मोटी मोटी बात कि सर आखिर फैसिलिटीज़ क्या मिलती हैं तो सबसे पहला क्लासरूम और हॉस्टल फैसिलिटीज को लेके है एन डी में कैडेट्स को बी ए बी कराया जाता है एन डी में क्लासरूम और टीचर सबसे बेस्ट क्वालिटी के होते हैं क्योंकि दिन भर थकान वाली ट्रेनिंग के बाद आपको मानसिक रूप से चुस्त रखने के लिए एक बेहतरीन टीचर से आपकी मुलाकात होती है हर क्लासरूम में लाइन कनेक्शन की भी फैसिलिटीज़ दी जाती है वहीं बात करें अगर हम हॉस्टल फैसिलिटीज़ की तो इंडिया का हॉस्टल हर कैंडिडेट के लिए मुझे लगता है सबसे प्यारी और सबसे खूबसूरत जगह होती है क्योंकि इतनी सारी ट्रेनिंग रगड़ा तगड़ा के बाद आप उस रूम में जाके खुद को कम्फर्ट और खुद को रिलैक्स फील करते हैं जहाँ कैंडिडेट को एक सिंगल रूम दिया जाता है सोने के लिए प्रॉपर बेड होता है और रहने के लिए जितने भी बेसिक कम्युनिटीज़ की रिक्वायर्ड होती हैं बिल्कुल आपको बेहतर ढंग से दी जाती हैं। अब आ जाती है दूसरी फैसिलिटी मेडिकल फैसिलिटी ट्रेनिंग के दौरान तो कैडेट्स को चोट और इलाज की समस्या तो लगी ही रहती है क्योंकि एकेडमी में तरह तरह के ट्रेनिंग प्रोसीजर है जिसमें ये बात लाजमी हो जाती है इसलिए एकेडमी में कैडेट्स को फ्री मेडिकल सर्विसेज दी जाती हैं इतना ही नहीं कैडेट्स के साथ साथ उनके परिवार वालों को भी फ्री मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेल कराई जाती है खास बात यह है अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कैडेट्स का इलाज होना संभव नहीं है तो इन दैट केस आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में भी शिफ्ट कर दिया जाता है और कमाल की बात उसका भी पूरा का पूरा एक्सपेंस जो होता है वो गवर्नमेंट ही हेबियर करती है दैट मीन मेडिकल फैसिलिटी हंड्रेड परसेंट आपको तो वहां से मिलती है तीसरी सबसे अहम चीज आती है बेटा लाइब्रेरी पार्ट अकेदमी में एक बड़ी लाइब्रेरी भी है जिसका नाम ब्यास लाइब्रेरी है लाइब्रेरी ब्लॉक के ओर स्थित है और इसका नाम प्रसिद्ध विद्वान शिक्षक गोल्फर और एडमिनिस्ट्रेटर श्री टीएन व्यास के नाम पर रखा गया था जो 15 वर्षों तक एनडीए के प्रधानाचार्य रहे थे एनडीए के प्रधानाचार्य के रूप में नियुक्त होने से पहले वह दून स्कूल में एक प्रतिष्ठित हाउस मास्टर थे और बाद में मेयो कॉलेज ऑफ अजमेर के प्रिंसिपल भी रहे व्यास लाइब्रेरी में कैरेट्स को अपडेट रखने के लिए पूरी दुनिया की बुक्स मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स मौजूद रहते हैं व्यास लाइब्रेरी में लगभग 90,000 से ज्यादा बुक्स अवेलेबल हैं लाइब्रेरी पूरी तरह से लैंड फैसिलिटीज से युक्त है और लैंड फैसिलिटी मतलब इंटरनेट फैसिलिटीज से युक्त है और कैरेट को इस्तेमाल करने के लिए एक पर्सनल लैपटॉप भी दिया गया है दैट मीन आप कह सकते हैं वन ऑफ द बेस्ट लाइब्रेरी में ये लाइब्रेरी आती है जिसको आप लाइब्रेरी के नाम से जानेंगे अगली फैसिलिटी आती है कैरेटमेस उन्नीस में शुरू हुआ यह मेस एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेस है इस मेस में लगभग 2100 कैडेट एक साथ बैठकर खाना खा सकते हैं पूरे मिलिट्री रूल के साथ चलने वाले इस मेस में तीन किचन और एक फुल बेकरी है जहां से कैरेट्स को पौष्टिक आहार मिलता है और उन्हें फिट रखने में मदद करता है कैरेट मेस की मेन्यू डिफेंस इंस्टिट्यूट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च से, से होकर आता है इसमें इसके कुक्स जो होते हैं वो बेल ट्रेंड होते हैं और यहाँ के मसाल चीज जो होते हैं वो पैंतालीस मिनट में, में कैरेट्स को भरपेट काना खिलाने की उनको कंप्लीट ट्रेनिंग दी जाती है दैट मीन कह सकते हैं कि एशिया का वन ऑफ द बेस्ट मेस सिस्टम है जो कि आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी के कैंपस में देखने को मिलेगा अगली आती है स्पोर्ट्स स्पेशलिटी कहते हैं कि फौजी बनना है स्पोर्ट्स का अपना बड़ा रोल है इंडिया में स्पोर्ट्स की काफी फैसिलिटीज हैं यहां के कैरेट्स आगे चल करके ओलंपिक खेलों में भी भाग लेते हैं ओलंपिक मेडल विनर लेफ्टिनेंट कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर भी एनडीए के कैरेट्स के रह चुके हैं अकादमी में समय समय पर इंटर स्क्वाडन इंटर बटालियन चैंपियनशिप होते रहते हैं अकादमी में कैडेट्स को कम से कम एक स्पोर्ट्स में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और हर टर्म में कम से कम दो खेलों के नियम को जानना कंपलसरी होता है जो कैडेट्स खेलों में अच्छा प्रदर्शन करते हैं उन्हें मेरिट कार्ड ब्लू हाफ ब्लू ब्लेजर में दक्षता मिलती है एंड में बहुत सारे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हैं जैसे फुटबॉल ग्राउंड हो गया क्रिकेट ग्राउंड हो गया पोलो ग्राउंड हो गया बैडमिंटन कोर्ट हो गया टेनिस कोर्ट हो गया वॉलीबॉल कोर्ट हो गया बास्केटबॉल कोर्ट हो गया स्विमिंग पूल आदि सब कुछ आपको वहाँ पे मौजूद मिलेंगे हर तरह के स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के साथ साथ अब आता है फाइनली छठा जो ऑडिटोरियम एनडीए में मौजूद हबीबुल्ला हॉल सत्रह से ज़्यादा कैडेट्स को एक साथ एंटरटेन करने की क्षमता रखता है इस ऑडिटोरियम में लेक्चरेट डिबेट प्रेजेंटेशन कुछ इंटर इंटरबिटालियन एक्टिविटीज और कन्वकेशन सेरेमनी का भी आयोजन किया जाता है हॉल में सप्ताह में एक बार हिंदी और अंग्रेजी फिल्में भी दिखाई जाती हैं। साथ तो आता है लैब्स इंडिया में जितने भी कोर्स और सब्जेक्ट्स हैं सबके लिए इंडिविजुअल लैब्स मौजूद हैं, जैसे फिजिक्स लैब हुई केमिस्ट्री लैब हुई कंप्यूटर लैब हुई लैंग्वेज लैब हुई बहुत सारी लैब हैं जिनसे कैडेट्स हर तरीके की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिल सके और कॉन्फिडेंट खुद को कर सकें इन सभी फैसिलिटीज़ के अलावा कैडेट्स को और भी कई फैसिलिटीज़ मिलती हैं जैसे कि जिम हो गया स्विमिंग फैसिलिटीज़ बताया मैंने हॉर्स राइडिंग इंडोर आउटडोर क्लब्स हो गए आपके खास मौक़ों पर उन्हें एन के बाहर पूरे शहर में या सिंगर किला भी घूमने के लिए ले जाया जाता है तो ये थे इंडिया में मिलने वाले कैडेट्स को बहुत सारी फैसिलिटीज़ हमें उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद जरूर आया होगा अगर आप एनडीए कैडेट्स हैं तो मुझे लगता है कि अपने दोस्त जो नेशनल डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन करना चाहते हैं उनसे वीडियो ज़रूर शेयर करिए और अगर आपका ये ड्रीम है आपका पैशन है तो मुझे लगता है कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ मैं ये कह सकता हूँ और मुझे लगता है कि हर बच्चे के लिए एक प्राउड मोमेंट है जिस दिन आप नेशनल डिफेंस एकेडमी का हिस्सा बनते हैं और आज जिन लोकेशंस को आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं इन शेयर का हिस्सा बनते हैं तो दिल से मैं यही चाहता हूं कि अगर वाकई में आपका नेशनल डिफेंस एकेडमी सपना है तो दे दीजिए अपना हंड्रेड और अचीव करिए इस सपने को जो आप बिल्कुल पाना चाहते हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी के रूप में और ऐसे ही डिफेंस एडियो इंटरेस्टिंग अपडेट्स एंड नॉलेज के लिए हमेशा जुड़े रहिए सी क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा उन्हें बहुत अच्छा लगेगा और बिल्कुल मेरी तरफ से बहुत सारे आशीर्वाद दुबाई कि आप वाले इंडिया फर्स्ट दो में अपना यह सपना पूरा कर सकें थैंक यू सो मच विश्व गुड लक जय हिंद जय भारत